नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी समय बहुत अच्छा होता है, अपने आप ही सब काम बनते जाते हैं। कभी टेंशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत हार्डवर्क करने पर भी रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता, कभी सब कुछ अच्छा लगने लगता है और कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। ग्रहों के गोचर दशा अंतर दशा के अनुसार ऐसा होता रहता है। तो आइए जानते हैं जुलाई मंथ में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि स्वराशि में आ रहे हैं। 12 जुलाई को शनि कुंभ से मकर में आएंगे। 13 जुलाई को शुक्र मिथुन में आ जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जुलाई को ही बुध भी कर्क राशि में आ जाएंगे। 28 जुलाई को गुरु मीन राशि में वक्री होकर आ रहे हैं। 31 जुलाई को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन्हीं सब ग्रहों के गोचर के आधार पर हमने आपका जुलाई मंथ का राशिफल तैयार किया है। मकर राशि की बात करें तो राशि स्वामी शनि का कुटुंब भाव में बैठना पारिवारिक सुखों में कमी जरूर करेगा। परिवार में शांत पड़े विवाद दोबारा से उठ खड़े होंगे। वाणी भाव पर शनि की उपस्थिति आपके मुंह से कुछ ऐसा बुलवा देगी जो सामने वाले का कलेजा छलनी कर देगी, इसलिए आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। यदि आप चाहते हैं कि परिवार में आपको सम्मान मिले तो घर के बड़ों का आदर करें और छोटे बच्चों को जितना हो सके उतना प्यार दें। करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो अब वो परेशानियां दूर होंगी। इस महीने खूब दबाकर मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका दोगुना फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी जॉब में सम्मान मिलेगा, उसके साथ में आपको तरक्की के भी योग बनते हैं। किसी नई जॉब का ऑफर भी आपको आ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें नौकरी मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस में प्रोग्रेस होगी, साथ ही नए बिजनेस के मार्ग खुलेंगे। जो लोग विदेशों से जुड़े व्यापार करते हैं उनको भी फायदा होगा। ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं कि आप अपने बिजनेस में कुछ पॉलिसीज को चेंज करेंगे जो कि आपके लिए बहुत शानदार साबित होंगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस में नए संबंधों की बजाय कोई पुराने संबंध आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। धन भाव में शनि का स्वराशि होकर बैठना आर्थिक तौर पर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। काम देरी से जरूर बनेंगे लेकिन फायदेमंद साबित होंगे। जो लोग मेहनती हैं उनके जीवन में धन लाभ दिखाई देगा। परिवार से किसी सदस्य के थ्रू आपको कोई फायदा हो सकता है। लाभ भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि होने से आपको आर्थिक तौर पर मदद जरूर मिलेगी। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा भी वापस मिल जाएगा। बिजनेस में प्रोग्रेस देखी जाएगी और नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर आएंगी। इस समय आपको बिजनेस में मनचाही सफलता मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए यह समय लाभदायक साबित होगा। इस महीने आपकी सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी और आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। गोल्ड में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन सोच समझ के, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना सामान्य रहेगा। इस महीने कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उससे छुटकारा मिलेगा। कुछ लोग जो मेंटल स्ट्रेस झेल रहे थे उन लोगों को भी अब राहत मिलेगी। परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत में भी सुधार आएगा लेकिन अपनी सेहत को लेकर लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठना लव लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी, प्यार बढ़ेगा और हर तरह के मनमुटाव दूर होंगे। लेकिन मंथ एंड में सूर्य का सप्तम भाव में जाना वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां जरूर पैदा करेगा। यदि कोई पुराना विवाद चला आ रहा था तो उस विवाद के बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना जीवन साथी से चल रही चुनौतियों से बाहर ले आएगा। उपाय के तौर पर इस महीने आपको काले तिल का दान करना चाहिए। शनिदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं। प्रतिदिन योग प्राणायाम करना आपको मानसिक तौर पर और स्वस्थ रखेगा। साथ ही सुबह शाम ओम मंत्र का जाप करें। सुबह शाम घर में ओम मंत्र गूंजता रहे, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। ओम मंत्र का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। रात को सोने से पहले मन को शांत करके सोएं, ताकि आप अगले दिन के लिए तरोताजा उठें। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए और साथ ही आप 7 अनाज मिलाकर पक्षियों को डालें और उनके पीने के लिए पानी भी रखें। ऐसा करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं। कोई गरीब यदि आपसे कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। उसे कुछ खाने को दें या कुछ पैसे दें। अपने आसपास ध्यान रखें, कोई भी जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करने से ना चूकें। ये सब कीजिए और देखिए आपका ये महीना कितना शानदार जाने वाला है। आप स्क्रीन पर आ रहे इस ओम मंत्र के लिंक पर क्लिक कीजिए, सुबह शाम घर में चलाइए और घर से हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म कीजिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा यदि आप अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार।